और अब बात अगली खबर की, सफाई कर्मी से गया नगर निगम की डिप्टी मेयर तक का सफर तय करने वाली चिंता देवी निगम के अधिकारियों की उपेक्षा से परेशान है। नाराज होकर चिंता देवी विरोध जताने के लिए गया की मंडी में दुकान लगाकर सब्जी बेचने लगे। डिप्टी मेयर चिंता देवी को सब्जी बेचता देख लोगों के साथ अधिकारी भी दंग रह गए। लेकिन चिंता देवी को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों उन्हें सब्जी बेचने पर मजबूर होना पड़ा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मंडी में दुकान लगाकर सब्जी बेचने लगी डिप्टी मेयर। उपेक्षा से परेशान होकर चिंता देवी बेचने लगी सब्जी। मंडी में डिप्टी मेयर को सब्जी बेचता देख दंग रह गए लोग। लौकी ले लो, कद्दू ले लो, 50 रुपए में एक पीस। सड़क किनारे जमीन पर बोरी बिछाकर सब्जियां बेच रही ये कोई आम महिला नहीं है। बिहार के गया जिले की डिप्टी मेयर चिंता देवी है, जो गया नगर निगम के अधिकारियों के उपेक्षा से परेशान होकर सड़क पर सब्जी बेचने को मजबूर है। सब्जी मंडी में डिप्टी मेयर चिंता देवी को सब्जियां बेचता देख कर गया के लोग दंग रह गए। गया नगर निगम के दफ्तर के पास मंडी में सड़क पर सब्जी बेच रही डिप्टी मेयर चिंता देवी का आरोप है कि अधिकारी उनके पद की गरिमा तक का ख्याल नहीं रखते हैं। जब नगर निगम में बैठक बुलाई जाती है तब निगम के अधिकारियों की तरफ से बैठक की जानकारी तक नहीं दी जाती, ना ही निगम से डिप्टी मेयर की कोई सुविधा मिल रही है, जिससे दुखी होकर चिंता देवी अपने बच्चों का पेट पालने और बेटियों की शादी के लिए मजबूर होकर मंडी में सब्जी बेचकर विरोध जता रही हैं। नगर निगम का हम ड्यूटी मेयर, लेकिन ड्यूटी मेयर है और कोई मतलब गरिमा नहीं है, तो खाली हम कुर्सी पर बैठ के भूख ना मरेंगे, खाली कुर्सी के लिए हम ड्यूटी मेयर रहेंगे। गया नगर निगम के अधिकारियों के रवैये से परेशान होकर केदारनाथ मार्केट सब्जी मंडी में लौकी कोहड़ा बेच रही डिप्टी मेयर चिंता देवी को देखकर सब्जी मंडी पहुंचे लोग दंग रह गए। तो बाजार पहुंचे कई लोग चिंता देवी से लौकी खरीदते भी नजर आए। डिप्टी मेयर की सब्जी बेचने के बाद पूरे बाजार में आग की तरह फैल गई। नगर निगम के दफ्तर पहुंचे अधिकारियों के बीच चिंता देवी का सब्जी बेचना चर्चा का विषय बना रहा। चिंता देवी बीते 40 सालों से गया नगर निगम में सफाई कर्मी थी। कूड़ा कचरा उठाने से लेकर गली मोहल्ले में झाड़ू लगाने का काम करने वाली चिंता देवी ने पहली बार डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा और गया की जनता के अपार जनसमर्थन से बम्पर जीत हासिल की। चिंता देवी को चुनाव में सफाई कर्मियों के साथ स्थानीय लोग और कई राजनीतिक दलों ने भी खुलकर समर्थन किया था। जमीनी नेता रही चिंता देवी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर डिप्टी मेयर बनी थी। तब गया के लोगों को उम्मीदें थी कि आम लोगों की बात सुनने के साथ विकास का काम तेजी से चिंता देवी कराएंगी। लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाने से नाराज होकर चिंता देवी अधिकारियों के खिलाफ विरोध जताने मंडी में सब्जी बेचने बैठ गई। चिंता देवी का विरोध करने का ये तरीका लोगों को बेहद पसंद आया, तो वहीं गया नगर निगम के अधिकारियों में खलबली मच गई। चिंता देवी ने ऐलान किया है कि जब तक निगम में मान सम्मान नहीं मिल जाता तब तक वो सब्जी बेचती रहेंगी। गया नगर निगम में डिप्टी मेयर चिंता देवी की बात जब अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है तो आम आदमी के अधिकारियों के सामने क्या हैसियत होगी, बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। टीम न्यूज नेशन, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।